कांग्रेस पार्टी की ओर से गुरुवार को जिला मुख्यालय पर मोदी और योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा सरकार द्वारा अन्य प्रदेशों में विधानसभा चुनावों को लेकर 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने के वायदे को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया। पदाधिकारियों ने साफ कहा कि जहां जहां विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं वहाँ भाजपा गरीब लोगों को 500 रुपये में घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात कह रही है। वहीं यूपी में सिलेंडरों की बड़ी कीमतों में कोई भी रियायत ना देने के लिए जिला मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की 5 विधानसभा में हो रहे विधानसभा चुनाव में घूम घूम कर उन प्रदेशों की जनता को इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बनती है इन प्रदेशों में तो हम सिलेंडर के दाम 450 और 500 में देंगे। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता इतनी दुर्भाग्यशाली है जिसको देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, जिसको प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री मिला है कि उत्तर प्रदेश की जनता को 450 और 500 में सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा सकते। आज डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और इतनी कमजोर और इतनी इससे ज़्यादा कमजोर कोई भी सरकार हुई नहीं कि दूसरे प्रदेशों में दूसरे में क्या हम तो ये कह सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर सिलेंडर 450 450 का मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, तो इससे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ये अन्याय क्यों है। आज जनता को न्याय दिलाने के लिए आज हमने ये ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि उत्तर प्रदेश की जनता पे जनता को भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की अन्य प्रदेशों में उत्तर प्रदेश में भी वो घोषणा करें और 450 500 सिलेंडर उत्तर प्रदेश जनता को उपलब्ध मिला है क्या। नहीं, शासन से तो आश्वासन यही मिला है कि यहाँ से हम भेज देंगे और बाकी ऊपर होता है क्या होता है अलग बात है, लेकिन हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जब से इनकी सरकारें आई हैं 2014 से, उससे पहले ये कहते थे सब 15 लाख रुपये देंगे, इन्होंने नहीं दिए। ये जुमलेबाजी की सरकार है और आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये कहीं पर कुछ भी नहीं देंगे। इतना बड़ा सूबा 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है और हम मांग करना चाहते हैं कि अगर इनके अंदर जरा सा भी जमीन है तो जो दुनिया में चिल्ला के कह रहे हैं कि 550 का सिलेंडर देंगे, मुफ्त राशन देंगे गरीबों को, दुनिया भर की घोषणाएं करके आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में क्या गरीब नहीं रहते हैं, उत्तर प्रदेश में जनता नहीं रहती है, या उत्तर प्रदेश में सरकारें नहीं हैं इनकी? जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ पे तो ये 450 और 500 के सिलेंडर की घोषणा कर नहीं रहे, और जहाँ सरकारें बन नहीं रही हैं इनकी, जहाँ पे इनको विरोध हो रहा है, अंदर उत्तर प्रदेश को जो है जिला और शहर कांग्रेस कमेटी का ये प्रतिनिधि मंडल एक ज्ञापन के थ्रू जिलाधिकारी को मांग की है कि ये धोखा दे रहे हैं जनता को। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है 5 राज्यों में, कि हम 450 और 500 का गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है तो यहाँ क्यों नहीं 450 और 500 का सिलेंडर दे रहे हैं? यहाँ की जनता त्राई त्राई कर रही है महंगाई की वजह से, हमारे जो हैं रसोइयों में दिक्कत हो रही है हमारी माँ और बहनों को, और ये सिलेंडर यहाँ 1100 और 1200 रुपये का बेच रहे हैं, तो इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करते चले आ रहे हैं। लिहाजा 2024 में इनकी हकीकत पता लग जाएगी, 3 तारीख को इनको अपनी हकीकत पता लग जाएगी और गलत फैसलों और गलत निर्णयों के आधार पर ये अपने आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए कांग्रेस इसका सख्त विरोध करती है और इंशाल्लाह 2024 या 2003 में ही इनको अपनी हकीकत पता लग जाएगी। जय हिंद, जय भारत।